सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 27th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में चेबीशेव इनइक्वालिटी, उसका प्रूफ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर 26 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके प्रोबेबिलिटी थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेज को क्लिक करें। एमए क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट में देखते हैं चेबीशेव इनइक्वालिटी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कहता है चेबीशेव इनइक्वालिटी, कि इफ एक्स इज ए रेंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। कोई भी रेंडम वेरिएबल है और उसका मीन म्यू है, वेरियंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है, देन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर के जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया जा रहा है, तो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा यहाँ पर रेंडम वेरिएबल एक्स, ऐसा रेंडम वेरिएबल लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी रेंडम वेरिएबल होगा उसका प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1/k² होगा। एक तो ये है, इसका जस्ट अपोजिट भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1/k². तो ये दो रिजल्ट है। अब इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है चेबीशेव इनइक्वालिटी का, एक फॉर्म तो ये बता रहे हैं, दूसरा फॉर्म भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है हम लोग जब प्रूफ करेंगे इसका कुछ एग्जांपल लेंगे तो ये और भी पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं और इसका एक दूसरा फॉर्म भी हम बताएंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल बताएंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी रेंडम वेरिएबल है उसका प्रोबेबिलिटी दिखाना लेस देन इक्वल टू 1/k². तो अब चलो देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। दो केस में हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे, एक कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल के लिए अलग और डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल के लिए अलग। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं हम लोग कि लेट एक्स इज ए कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल में सिग्मा स्क्वायर ये वेरियंस बताता है और वेरियंस का डेफिनेशन पहले बताया गया है कि ये वेरियंस होता है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के डिफरेंस के स्क्वायर का फिर से अगर एक्सपेक्टेशन निकाल देते हैं उसी को वेरियंस कहते हैं, उसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को मीन भी कहते हैं और उसको कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो यहाँ पर हम लोग म्यू भी पुट कर सकते हैं, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका मीन जो है वो दिया हुआ है कि मीन जो है वो म्यू है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो मीन भी कहलाता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर म्यू पुट कर दिए। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे कैसे, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है यहाँ पर, तो किसी का भी एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर का निकालना है तो उस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर में उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये जो इंटीग्रल आएगा वही ना एक्सपेक्टेशन होता है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है रेंडम वेरिएबल एक्स का। अब जरा समझोगे इसको आगे क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हम लोग यहाँ इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा, यहाँ तक पहले कि एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ इन ऑफ एक्स डी एक्स, ये ज्यों का त्यों रहने दो। फिर माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा तक इंटीग्रेट किया, अब हम लोग करते हैं म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा तक, और यहाँ पर x माइनस म्यू टू द पावर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो कहते हो। अब फिर एक और इंटीग्रल यहाँ पर लिखते हैं म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर फंक्शन x माइनस म्यू टू द पावर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या किया इसको, तीन इंटीग्रल में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। तीन इंटीग्रल में कैसा,
जैसे यहाँ पर हम लोग को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक करना था, तो माइनस इन्फिनिटी से हम लोग ले गए हैं म्यू माइनस के सिग्मा, म्यू माइनस के सिग्मा एक नंबर आएगा, म्यू जो है वो मीन है कि एक पॉजिटिव नंबर है, सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है या सिग्मा स्क्वायर वेरियंस हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा तक, फिर म्यू माइनस के सिग्मा से ये बड़ा होगा म्यू प्लस के सिग्मा और यहाँ तक, और फिर म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी तक, तीन इंटीग्रल में डिवाइड किए, एक बार यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं और फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, तीन इंटीग्रल में डिवाइड करके इसका हम लोग सम कर दिए। अब जरा समझोगे कि ये जो इंटीग्रल आएगा ये निश्चित रूप से पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? ये जो फंक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव फंक्शन स्क्वायर है ना, और एफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताता है। तो हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ये पॉजिटिव फंक्शन हो गया, तो पॉजिटिव फंक्शन हो गया इसका मतलब जो इंटीग्रल आएगा वो निश्चित रूप से क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अगर इसको हम लोग यहाँ नहीं लिखें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो तीन इंटीग्रल का सम आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, और प्लस ये सिर्फ लिख रहे हैं म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू टू द पावर टू इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जैसे समझोगे यहाँ पर क्या किए, इसको हम लोग इसमें यहाँ पर नहीं लिखें तो ये जो दो इंटीग्रल का सम आएगा उससे तो ज़रूर ज़्यादा आएगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन इंटीग्रल है ना, और यहाँ पर कितना है? दो इंटीग्रल है। तो ये जो तीन नंबर का जो सम आएगा उसमें से इस नंबर को हटा दिए तो निश्चित रूप से ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इस नंबर का। कैसे? जरा समझोगे, ध्यान देना। मान लो हम लोग लिख रहे हैं टू प्लस फाइव प्लस सेवन, तो क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा टू प्लस सेवन? हम लोग यहाँ पर इस नंबर को ही हटा दे रहे हैं, ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तीन नंबर का सम जो है वो सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के सम से या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। तो ये जीरो अगर रहे, मान लो यहाँ पर अगर एक्स है तो एक्स अगर जीरो रहे तो जीरो रहेगा तो वो दोनों उस समय क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर पॉजिटिव रहेगा तो उस समय क्या होगा? ग्रेटर देन। तो यहाँ पर तीन नंबर था, तीन नंबर का जो सम है हम लोग सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट वाला लिखे हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट के सम से तो ये जरूर बड़ा होगा या फिर क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब इसका वैल्यू इंटीग्रल जीरो आ जाए। इंटीग्रल कब जीरो आएगा? मान लो एफ एक्स जीरो है, एफ एक्स तो अभी बात कर रहे थे कि एफ एक्स मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। मान लो अगर ये जीरो ही आ गया, तो जीरो आ गया तो उस समय ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? जीरो। फंक्शन अगर ये जीरो आ गया तो पूरा इंटीग्रल ही जीरो हो जाएगा। तो वैसे केस में ये दोनों इक्वल भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उस समय ये तीन नंबर का जो सम है वो इस दोनों नंबर के सम से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर इसको नंबर वन करके हम लोग छोड़ देते हैं। अब समझोगे, ये एक रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन अगर डेल्टा हो तो एक्स का वैल्यू किसके बीच में होता है? एक्स का वैल्यू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में होता है। ये पहले से रिजल्ट को पता होगा ये। और अगर यहाँ पर वही ग्रेटर देन रहे तो वैसे केस में क्या होता है? ग्रेटर देन अगर रहे तो वैसे केस में होता है एक्स जो होता है वो लेस देन ए माइनस डेल्टा होता है या फिर एक्स ग्रेटर देन ए प्लस डेल्टा होता है। देखो, अगर मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ ए माइनस डेल्टा है और यहाँ पर ए प्लस डेल्टा है, तो लेस देन अगर होता है, तो लेस देन होता है तो वैसे केस में एक्स इसी के बीच में होगा, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में। लेकिन जब वही ग्रेटर देन हो जाता है, तो ग्रेटर देन होता है तो यहाँ पर इसके बीच में नहीं होता है, वैसे केस में क्या होता है? इधर एक्स का वैल्यू हो सकता है, इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, इसके बीच में लाई नहीं करता है। तो यानी एक्स का जो वैल्यू है वो ए माइनस डेल्टा से छोटा होगा या फिर एक्स का वैल्यू ए प्लस डेल्टा से बड़ा होगा। तो ऐसे केस में हम लोग मॉड एक्स माइनस ए लेस देन ग्रेटर देन डेल्टा लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सिंस एक्स लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा, और अगर हम लोग एक्स ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा लिखें तो ये दोनों को एक साथ कंबाइंड करके हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन के सिग्मा, ग्रेटर देन के सिग्मा, ये दोनों को कंबाइंड करके। कैसे? जरा ध्यान देना,
एक्स लेस देन ए माइनस डेल्टा और एक्स ग्रेटर देन ए प्लस डेल्टा, ये दोनों को कंबाइंड करके क्या लिख रहे हैं? एक्स माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा लिख रहे हैं। एक्स माइनस ए, ये ए को भी उधर ले जाओ और यहाँ भी ए को उधर ले जाओ, तो एक्स माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा। तो ये जो रिजल्ट है, पहले इसको तुम कंसिडर करो कि एक्स लेस देन ए माइनस डेल्टा और एक्स ग्रेटर देन ए प्लस डेल्टा को कंबाइंड करके लिख सकते हैं मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा। तो बस यही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि एक्स लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा और एक्स ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन के सिग्मा। इसी तरीके से तो ये क्या करते हैं, ए को इधर ले जाते हैं, एक्स माइनस ए बनाते हैं और ग्रेटर देन डेल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी म्यू को उधर ले जाओ, एक्स माइनस म्यू, और उसका जो मॉडुलस होगा वो के सिग्मा से बड़ा होगा। अब जरा मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन के सिग्मा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मॉड, अगर स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं तो मॉड लिखना जरूरी नहीं है, मॉड हटा सकते हैं। तो एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। और अगर यहाँ पर इक्वल टू भी रहे, तो इक्वल टू रहे तो यहाँ पर भी क्या होगा? इक्वल टू होगा। अगर इक्वल का भी सिंबल रहे तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। तो इसी का यूज करते हैं हम लोग, इसको नंबर टू कर देते हैं और ये वन में यूज करते हैं। तो वन में क्या था कि सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन दिस इंटीग्रल। अब जरा समझोगे कि सिग्मा स्क्वायर तो यहाँ रखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा। तो म्यू माइनस के सिग्मा यानी कि इधर लेना है हम लोग को, म्यू माइनस के सिग्मा से पहले लेना है या फिर म्यू प्लस के सिग्मा से बड़ा लेना है, यानी कि इधर लेना है। तो या तो एक्स का वैल्यू हम लोग इधर लेंगे या फिर एक्स का वैल्यू इधर लेंगे। तो दोनों केस में एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर जो है वो क्या आ चुका है? एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बदले जो है वो पुट कर रहे हैं के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और ये जो है के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन ही आएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है, जहाँ समझोगे यहाँ पर इस इंटीग्रल को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना, ये जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा इंटू एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा, और इसके जगह हम लोग क्या कर देते हैं, दिस इज ग्रेटर देन के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि इस इंटीग्रल का जो इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो भी तो इस इंटीग्रल से क्या होगा, इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। उसी तरीके से इस इंटीग्रल में भी हम लोग सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जगह पुट कर दे रहे हैं ये वाला के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पुट कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा इंटू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी सेम काम करते हैं म्यू प्लस के सिग्मा इन टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी हम लोग इसके बदले पुट कर रहे हैं के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दोनों इंटीग्रल में के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और के और सिग्मा जो है वो एक कॉन्स्टेंट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं दोनों में है, और यहाँ पर इंटीग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू टू म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो दैट इज सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब इसको देखो क्या करते हैं, ये जो दो इंटीग्रल का सम है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अगर ए लिखना हो तो ये कैसे लिखते हैं, ये हम लोग माइनस इन्फिनिटी से ए तक इंटीग्रेट करते हैं। किसको इंटीग्रेट करते हैं? एफ ऑफ एक्स डी एक्स को। याद करो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में अगर एक्स लेस देन इक्वल टू ए का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ए तक इंटीग्रेट कर देते हैं।
तो यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा तक इंटीग्रेट किया गया है, तो ये क्या बताएगा? ये प्रोबेबिलिटी बताएगा, किसका प्रोबेबिलिटी बताएगा? रेंडम वेरिएबल एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू माइनस के सिग्मा का। और ये क्या बताएगा, या वो समझोगे म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी है और इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट किया गया है, तो म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी यानी इधर एक्स का वैल्यू इधर लाई करने का, तो एक्स का वैल्यू इससे बड़ा है ना, यानी कि ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा, और ये दोनों प्रोबेबिलिटी का सम है। तो ये जो दो प्रोबेबिलिटी है, एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू माइनस के सिग्मा और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा, ये दोनों प्रोबेबिलिटी का सम है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चीज करते हैं, सिग्मा स्क्वायर दोनों से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर वन बच जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर। और ये जो दो प्रोबेबिलिटी आ रहा है, इस दोनों प्रोबेबिलिटी का सम को हम लोग एक ही साथ कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? जैसे देखो यहाँ पर तुम्हारा एक्स का जो वैल्यू है वो म्यू माइनस के सिग्मा से छोटा है, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू माइनस के सिग्मा है, इसका भी प्रोबेबिलिटी लेना है। और फिर कौन सा लेना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा है, ये दोनों है, यानी कि म्यू माइनस के सिग्मा से छोटा है या म्यू प्लस के सिग्मा से बड़ा है। तो ऐसे केस में दोनों को कंबाइंड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेटर देन के सिग्मा, ग्रेटर देन के सिग्मा। कैसे? अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं कि मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा जो है वो दो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसको किसको, या तो एक्स ए माइनस डेल्टा से छोटा होता है या एक्स ए प्लस डेल्टा से बड़ा होता है। तो अगर एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा लिखें तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि एक्स जो है वो या तो म्यू माइनस के सिग्मा से छोटा होगा या एक्स जो है वो म्यू प्लस के सिग्मा से बड़ा होगा। तो क्या ये दोनों चीज़ को रिप्रेजेंट कर देगा? तो ये दोनों को कंबाइंड करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिग्मा, क्योंकि ये दोनों जो है, ये जो है वो दो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन के सिग्मा जो है वो दो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो एक्स का वैल्यू म्यू माइनस के सिग्मा से छोटा होगा या एक्स का वैल्यू म्यू प्लस के सिग्मा से बड़ा होगा। तो यही ना दो चीज़ है यहाँ पर। अब जरा ध्यान देना, ये के स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो वन बाय के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। अब जरा समझो कि इसको अगर पहले लिख जाते हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू वन बाय के स्क्वायर। तो एक तो यही प्रूफ करना था हम लोग को, या देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट था कि मॉड प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू वन बाय के स्क्वायर, तो एक रिजल्ट तो प्रूफ हो गया। अब एक और रिजल्ट है यहाँ पर, तुम देखोगे एक और रिजल्ट है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पर है लेस देन, तो ये दोनों जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जरा यहाँ पर फिगर से समझोगे, अगर मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन के सिग्मा है तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू किसके बीच में आएगा, या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। और अगर यहाँ पर लिखें मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा इस दोनों के बीच में बताएगा, तो ये दोनों के बीच में बताएगा। तो ये जो रिजल्ट है ये वाला, ये बता रहा है या तो इधर होगा या इधर होगा, और ये बता रहा है इसके बीच में होगा, तो दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई कॉमन पॉइंट वहाँ पर नहीं है। तो दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, वन आएगा, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब जरा समझो इसका वैल्यू, इसको हम लोग उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा इज इक्वल टू वन माइनस, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। अब जरा समझो आगे, ये अभी हम लोग जस्ट प्रूफ कर चुके हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू
वन बाय के स्क्वायर, यानी कि इसका एटमोस्ट वैल्यू कितना आएगा, वन बाय के स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू वन बाय के स्क्वायर आएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दें तो इसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ये जैसे सपोज करो कोई भी दो नंबर की बात करते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू वन माइनस वाई लिखा हुआ है, वाई का वैल्यू मान लो जीरो है, वन है, टू है, मान लो ये तीन वैल्यू है। तो अगर हम लोग वाई का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो उस समय एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, वन। और यहाँ पर अगर हम लोग वाई का वैल्यू वन पुट करते हैं तो उस समय एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। और वाई का वैल्यू अगर टू पुट करते हैं उस समय एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, टू पुट करने पर माइनस वन। तो वाई यहाँ पर कह सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू टू है, वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू टू है। और यहाँ पर एक्स जो है वो क्या कह सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है। एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस वन से क्या है, बड़ा है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है। तो ये माइनस वन कब आया, माइनस वन कब आ रहा है, जब हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो है वाई का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अगर पुट कर देते हैं यहाँ पर, वाई का मैक्सिमम वैल्यू पुट करने से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाई लेस देन इक्वल टू टू है और यहाँ पर हम लोग टू पुट कर दिए तो क्या मिल रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस टू। एक्स का वैल्यू तो वन माइनस टू से बड़ा मिल रहा है ना। तो वाई लेस देन इक्वल टू टू है, यहाँ पर अगर हम लोग टू पुट कर रहे हैं तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस टू मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो है वो लेस देन इक्वल टू वन बाय के स्क्वायर था, यहाँ पर अगर हम लोग वन बाय के स्क्वायर पुट कर रहे हैं, वन माइनस वन बाय के स्क्वायर, ये जो है वन माइनस वन बाय के स्क्वायर से बड़ा होगा। तो यही प्रूफ करना था यहाँ पर कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस वन बाई के स्क्वायर होगा। देखो सेकेंड रिजल्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस वन बाई के स्क्वायर। तो ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस वन बाई के स्क्वायर होगा। अब ये एक तो स्टेटमेंट हुआ ही, इसके अलावा इसका एक दूसरा फॉर्म भी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ कि अभी जो हम लोग केस फर्स्ट लिए हैं वो लेट एक्स इज ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए इसको प्रूफ किए हैं। बिल्कुल सेम तरीके से डिस्क्रीट के लिए भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट में करना क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन के बदले क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। और समेशन में भी एक्स का जो वैल्यू है वो कोई भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या फिर इसको जीरो से लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के बदले समेशन हो जाएगा और बिल्कुल सेम तरीके से इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो वो हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या किए हैं, इंटीग्रेशन के लिए किए हैं, यानी कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। डिस्क्रीट के लिए तुम लोग खुद कर सकते हो। जो अभी हम लोग चेबिशेव इनइक्वालिटी पढ़े हैं उसका एक दूसरा फॉर्म देखते हैं, सेकेंड फॉर्म क्या होता है। तो सेकेंड फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं के सिग्मा जो है उसको हम लोग सी मान रहे हैं और ये ग्रेटर देन जीरो ही होगा क्योंकि के पॉजिटिव है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। एक्चुअली सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, वेरियंस का, ये पॉजिटिव रूट होता है। तो वेरियंस ऑफ एक्स का यानी कि ये सिग्मा स्क्वायर, वेरियंस को सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू सिग्मा, तो ये सिग्मा जो है वो भी पॉजिटिव होगा, के भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, सी भी पॉजिटिव होगा, तो ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब अगर हम लोग के सिग्मा को सी मानते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा है। तो के सिग्मा के जगह सी पुट कर रहे हैं और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर वन बाई के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग के स्क्वायर का ही वैल्यू पुट करें तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, के स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। और सिग्मा स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये एक रिजल्ट हो गया। ज़्यादातर क्वेश्चन वगैरह बनाने में यही फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग। और सेकेंड बिल्कुल इसी तरीके से अगर सेकेंड की बात करेंगे तो सेकेंड में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा के जगह हम लोग सी पुट करेंगे और यहाँ पर भी वैसे ही आ जाएगा वन माइनस वन बाई के स्क्वायर का वैल्यू जैसे यहाँ पर आया था, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक दूसरा रिजल्ट हो गया।
यानी कि ये क्या बता रहा है, ये जरा ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू, म्यू क्या है, ये मीन है, तो ये जो मीन है मॉड एक्स माइनस म्यू, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए, यानी रेंडम वेरिएबल एक्स में मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका जो मॉडुलस हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी एक कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो किससे छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू, ये होता है वेरियंस, ये क्या बता रहा है, सिग्मा स्क्वायर मीन्स वेरियंस होता है, तो वेरियंस डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, तो ये एक रिजल्ट हो गया। और यहाँ पर अगर हम लोग लेस देन सी कर दें तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस वेरियंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और ये जो साइन है लेस देन इक्वल टू वो भी चेंज होकर के ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब इसका यूज जो है वो क्वेश्चन बनाने में करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाने में करेंगे, वहाँ से और भी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग अब क्वेश्चन से ही इसको समझेंगे आगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जो क्वेश्चन है टू अनबाइज डाइस आर थ्राउन, दो पासे को फेंक रहे हैं, इफ एक्स इज द सम ऑफ द नंबर शोविंग अप, अब दोनों पासे में जो नंबर आ रहा है उसके सम को एक्स से डिनोट किया गया है, तो प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री इज लेस देन इक्वल टू 35/54, ये क्या है, अभी हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे कि क्या प्रूफ करना है, और साथ में फिर हम लोग को कंपेयर करना है दिस विद द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, लेकिन आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको बाद में हम समझाएंगे कि क्या प्रूफ करना है, कि इट इज़ गिवन दैट, सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक्स डिनोट क्या कर रहा है, द सम ऑफ द नंबर शोविंग अप व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, जब दो पासे को फेंक रहे हैं तो दोनों में जो नंबर आ रहा है उसके सम को एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, तो एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, दो पासे में जो नंबर आ रहा है दोनों का सम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अगर पहले पासे में वन आ जाए दूसरे पासे में भी वन आ जाए, मिनिमम तो वन आ सकता है, तो दोनों पासे का सम का वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम टू, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, दोनों पासे में अगर सिक्स और सिक्स आ जाए मैक्सिमम वैल्यू तो 12 हो जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक हो सकता है, तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स कैन टेक द वैल्यूज, ये सभी वैल्यू हो सकता है। अब सभी का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें से फर्स्ट कॉलम में एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका फेवरेबल केसेस को सेकेंड कॉलम में, और यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स का ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो जरा समझोगे, सबसे पहले एक्स का वैल्यू 2 है, और 2 कब आएगा, 2 के फेवर में कौन सा केसेज होगा, जब पहला पासा में भी 1 आ जाए दूसरे पासे में भी 1 आ जाए, तो 1+1 2 हो जाएगा, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसके फेवर में मात्र एक केस है, और टोटल केसेज जब दो पासे को फेंक रहे हैं तो टोटल 36 केस होगा, तो फेवरेबल केसेज डिवाइडेड बाय टोटल केसेज, तो फेवरेबल केसेज की संख्या है 1 और टोटल केसेज की संख्या है 36, यानी इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/36। इसी तरीके से 3 हो, दोनों पासे में जो नंबर आ रहा है उसका सम 3 हो, तो कब हो सकता है, जब फर्स्ट पासे में 2 और सेकेंड सॉरी फर्स्ट पासे में 1 और सेकेंड पासे में 2 आ जाए, या फिर फर्स्ट में 2 और 1 आ जाए, तो 1 2 और 2 1, ये दो केसेज हो गया, फेवरेबल केसेज हो गया 2 और टोटल केसेज है 36, तो इसका प्रोबेबिलिटी ये 2/36 हो गया। फिर एक्स का वैल्यू 4 कब होगा, जब फर्स्ट पासे में 1 सेकेंड में 3 हो, 1+3 4 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में 2 आवे और सेकेंड में भी 2 आवे, दोनों पासे का सम 4 हो जाएगा, या फर्स्ट में 3 आवे और सेकेंड में 1 आवे तो दोनों पासे का सम 4 हो जाएगा, तो सॉरी 2+2 4 हो गया, तो यहाँ पर जो है वो 4 आ रहा है, तुम देख रहे हो ये तीनों केसेज में सम जो है वो 4 आ रहा है, यानी एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा, टोटल केस फेवरेबल केसेज है 3 और टोटल केसेज है 36। इसी तरीके से ये सारा का निकाला जा सकता है, मान लो ये यहाँ पर देखो 7 कब आएगा, एक्स का वैल्यू 7 कब आएगा, जब पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 6, तो 7 आ जाएगा, या फर्स्ट में 2 और सेकेंड में 5, या फर्स्ट में 3 सेकेंड में 4, इस तरीके से यहाँ पर टोटल केसेज है 6 काउंट कर सॉरी कितना है 1 2 3 4 5 6 केसेज है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/36। तो ये टेबल तुम लोग क्रिएट कर सकते हो, ये टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तुम लोग खुद देख लेना, चेक कर लेना, और हम लोग अब क्या करेंगे आगे, इसका ये मीन निकालेंगे और वेरियंस निकालेंगे,
मीन भी निकालेंगे और वेरिएंस, क्योंकि हम लोग जब चेबिशेव इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं तो उसमें मीन का भी जरूरत पड़ता है और वेरिएंस का भी जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, तो एक्स का एक्सपेक्टेशन कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला है कि एक्स में उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सम कर देते हैं जो भी एक्स का वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो कि एक्स को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स का क्या क्या वैल्यू है, 2 है और उसका प्रोबेबिलिटी है 1/36, तो 2 को 1/36 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 2/36 से, 4 को उसके प्रोबेबिलिटी से, तो 4 का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/36, तो ये सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर वही लिख रहे हैं 2 × 1/36, 3 × 2/36, 4 का प्रोबेबिलिटी 3/36, इसी तरीके से लास्ट में 12 का प्रोबेबिलिटी 1/36, तो ये सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, यानी कि 1/36 सभी में आएगा, तो 1/36 को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2 × 1 2 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, 4 × 3 12 हो गया, इस तरीके से तुम टेबल से देख सकते हो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके इसका सम खुद निकाल सकते हो, तो इसका सम जो आएगा वो 252/36 आएगा, जो कैंसिल होकर के 7 बच रहा है। अब एक्स स्क्वायर का भी एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालने के लिए इसका भी एक्सपेक्टेशन का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पर सिग्मा नहीं है, ये ई है, एक्सपेक्टेशन है, तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर एक्स का वैल्यू टेबल में देखोगे तो एक्स का वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर करना है, उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है 2² × 1/36, फिर 3 का स्क्वायर करना है, उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, 4 का स्क्वायर करना है, इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 2² है उसका प्रोबेबिलिटी 1/36, 3² उसका प्रोबेबिलिटी 2/36, इस तरीके से सभी को ऐड कर देंगे, तो ये तुम लोग खुद चेक कर सकते हो 329/6 आएगा। अब वेरिएंस निकालते हैं, जिसको सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स का एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकाले में 329/6 है और एक्स का एक्सपेक्टेशन निकाले में 7 है, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ 329 और 6 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 294 इक्वल टू हो जाएगा 35/6, तो ये हम लोग का वेरिएंस निकल गया। अब हम लोग चेबिशेव इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं, तो चेबिशेव इनइक्वालिटी ये कहता है, जो सेकेंड फॉर्म अभी हम लोग डिस्कस किए थे, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये है चेबिशेव इनइक्वालिटी। अब क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है, यहाँ पर कौन सा नंबर है इसके बारे में देखो, तो यहाँ पर जो नंबर है वो 3 है, तुम देख रहे हो कि यहाँ जो नंबर है वो 3 है, तो सी के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 3। म्यू के जगह हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, म्यू किसको कहते हैं, म्यू एक्सपेक्टेशन को ही कहते हैं, ये जो निकला है वो यही म्यू है, तो म्यू इक्वल टू 7 हो गया, तो म्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 7 पुट कर दे रहे हैं, और सिग्मा स्क्वायर भी निकाल के रखे हुए हैं, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर रहे हैं 35/6, और सी हम लोग किसको पुट कर रहे हैं, 3 को, तो सी के जगह 3 पुट कर रहे हैं, सी स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर तुम देखोगे 35 न्यूमरेटर में और डिनोमेटर में 6 × 9 54 हो जाएगा, तो यही प्रूफ करना है। देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का प्रूफ करना है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 35/54। अब इसका फिर आगे कहता है कि कंपेयर दिस विथ द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी से भी कंपेयर करना है। अब ये कौन सा प्रोबेबिलिटी बता रहा है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी वही निकालना है। ये बता रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू 35/54 आएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 35/54 हो सकता है, लेकिन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगा वहाँ से हम लोग देखते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या है मॉड एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये क्या बता रहा है, तो जरा समझोगे यहाँ पर कि मॉड एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको और अगर हम लोग इसको दोनों को ऐड करें मॉड एक्स माइनस 7 लेस देन 3, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ जरा समझोगे, मॉड एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि एक्स का जो वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू 7 माइनस 3 से लेस देन इक्वल टू होगा,
या फिर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7+3 होगा, 7 माइनस 3 से छोटा होगा या फिर 7+3 से बड़ा होगा। और ये मॉड एक्स माइनस 7 लेस देन 3 क्या बताता है, ये बताता है कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो 7 माइनस 3 और 7+3 के बीच में होगा। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है कि एक्स लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3 मीन्स हो गया यहाँ पर 4, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7+3 मीन्स क्या हो गया 10 हो गया। तो इसमें तुम अगर देखोगे तो एक्स का कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, 4 से छोटा और 10 से बड़ा। तो 4 से छोटा कौन है, 2 है 3 है 4 के इक्वल भी हो सकता है, और 10 और उससे बड़ा कौन सा आएगा, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12। अभी जो एक्स का वैल्यू था, एक्स का वैल्यू 2 से लेकर के 12 तक ही है ना, तो ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स का वैल्यू 2, 3, 4, 10, 11, 12। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 लेस देन एक्स, और 7+3 कितना हो जाएगा 10। तो 4 और 10 के बीच में, तो 4 और 10 के बीच में कौन कौन सा आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। तो क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई कॉमन वैल्यू है क्या, नहीं है। और दोनों का यूनियन करने के बाद सारा केसेज आ जाता है, 2, 3, 4 यहाँ पर है, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर है, फिर 10, 11, 12 यहाँ पर है, तो सारा केसेज आ जाता है यहाँ पर। तो ये दोनों का यूनियन करने के बाद क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा, सिंपल स्पेस आ जाएगा, यानी कि दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जरा समझोगे इसको कि ये दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, ये उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस 7 लेस देन 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे इवेलुएट करते हैं, तो कैसे इवेलुएट करेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 माइनस 3 लेस देन एक्स लेस देन 7+3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग आगे काम करते हैं, 7 माइनस 3 मीन्स 4 हो गया, लेस देन एक्स लेस देन 10। अब ये 4 और 10 के बीच में कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो 4 और 10 के बीच में जितना भी वैल्यू है सभी का वैल्यू लेकर के हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू 5 मिलेगा, फिर एक्स का वैल्यू 6 मिलेगा, फिर एक्स का वैल्यू 7 मिलेगा, और फिर एक्स का वैल्यू 8 मिलेगा, फिर एक्स का वैल्यू 9 मिलेगा, ये सभी के प्रोबेबिलिटी का सम बताएगा। तो ये 4 और 10 के बीच में जो एक्स रेंडम वेरिएबल लाइक कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी, तो 4 और 10 के बीच में 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9, सभी का प्रोबेबिलिटी हम लोग को पता है टेबल में। तो एक्स इक्वल टू 5 का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स इक्वल टू 5 का प्रोबेबिलिटी है 4/36, तो यहाँ पर 4/36 लिखेंगे। फिर 6 का क्या है, 6 का जो है वो टेबल में देखो 5/36 है, और फिर 7 का क्या है, तो 7 का है 6/36 है, और फिर 8 का हम लोग चेक करते हैं ये है 5/36, और 9 का चेक करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 4/36। अब ये सभी को अगर हम लोग ऐड कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 4+5 9+6 15+20+24/36 जो कैंसिल हो जाएगा, 4 और 6 यानी कि 2/3 हो जाएगा, तो 3 - 2 ये कितना आ रहा है, 1/3। तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी यही बता रहा है, ये जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का प्रोबेबिलिटी निकल गया 1/3। और अभी हम बात कर रहे थे मॉड एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में कौन कौन सा वैल्यू आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था और 4 आ रहा था, साथ में उधर आ रहा था 10 आ रहा था, 11 आ रहा था और 12 आ रहा था, जो इसमें आया उसको छोड़ करके 5, 6, 7, 8, 9 छोड़ करके, तो 5, 6, 7, 8, 9 छोड़ करके कौन सा बचा, 2, 3, 4, और उधर बच रहा है 10, 11, 12। तो ये बता रहा है यहाँ पर इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि एक्स रेंडम वेरिएबल का ये सभी वैल्यू आवे उसका प्रोबेबिलिटी बता रहा है, कि मॉड एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या बता रहा है कि ये एक्स का ये सभी वैल्यू आवे उसका प्रोबेबिलिटी, और इसका एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/3। तो ये जो है वो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो इवेलुएट किए हैं वो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को निकाले हैं यहाँ पर। और चेबिशेव इनइक्वालिटी से इसका जो प्रोबेबिलिटी आया है वो कितना आया है,
लेस देन इक्वल टू 35/54। तो तुम कैलकुलेशन करोगे, अगर डेसिमल में निकाल लो इसको भी और इसको भी, तो कंपेयर कर सकते हो कि वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर 30 यहाँ पर चेबिशेव इनइक्वालिटी बता रहा है मॉड एक्स माइनस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये लेस देन इक्वल टू 35/54 है। अगर इसका हम लोग डेसिमल में निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.333 ये आएगा। और इसका अगर हम लोग निकालते हैं डेसिमल में तो ये आता है 0.648। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है 0.648 से छोटा होना चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है क्या 0.648 से छोटा है कि नहीं है? यहाँ पर जो हम लोग एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकाले हैं 0.33 है। और अगर इसका चेबिशेव इनइक्वालिटी से निकालते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी कहता है कि लेस देन इक्वल टू दिस होना चाहिए, या तो इससे छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल लेस देन ही है ना यहाँ पर। तो ये चेबिशेव इनइक्वालिटी जो है वो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं बताता है, चेबिशेव इनइक्वालिटी जो है वो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं बताता, बताता है कि उसका एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इस चीज़ का आने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये बताता है। और हम लोग ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल लिए हैं, क्या ठीक है ये? तो इस तरीके से चेबिशेव इनइक्वालिटी का सवाल को बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके बुक में चेबिशेव इनइक्वालिटी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन होगा, आप उसको बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। और इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।